गुरु, क्या आपने कभी सोचा है कि जीतने वाले और हारने वाले में क्या फर्क होता है? आपका आंसर होगा, जीतने वाले के पास उसकी सक्सेस होती है और हारने के वाले के पास बहाने होते हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी, जो जीतने वाले और हारने वाले में फ़र्क बताती हैं कि जीतने वाले की सोच किस हिसाब की होती है और हारने वाले की सोच किस हिसाब की होती है। मैं आपको जीतने और हारने वाले में फ़र्क बताता हूँ, और अगर आपको हारने वाले गुण नज़र आए अपने अंदर तो उन चीज़ों में बदलाव करें। गुरु, जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा किसी न किसी समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास कोई ना कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम होता है, उसे अपने कार्य योजन हमेशा होती हैं, और हारने वाले के पास आप हमेशा देखेंगे कि उसे अपने काम के लिए बहाना होता है कि मैंने इस चीज़ को इसलिए हासिल नहीं किया, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स थी। ये बहाने हारने वाले के पास मिलेंगे। जीतने वाला कहता है कि मुश्किल होने के बाद भी यह काम किया जा सकता है, और हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि हारने वाला हमेशा नेगेटिव पहलू को देखता है। जीतने वाला हमेशा वचनबद्ध होता है, उसके कमिटमेंट्स अपने आप से होते हैं, ना कि किसी और के प्रति। वो अपने हर लक्ष्य के लिए जो भी कमिटमेंट्स करता है उसको पूरा करता है, और वहीं हारने वाले के खोखले वादे होते हैं और वह हमेशा हारता है। जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने आपको साफ साफ नज़र आएंगे, और हारने वालों के पास हजारों खोखली योजनाएं होंगी। जीतने वाला हमेशा कहता है कि मुझे कुछ करना है, और हारने वाला कहता है कुछ तो होना चाहिए जो हमें सफलता दिला दे। जीतने वाला हमेशा लाभ देखता है और हारने वाला उस रास्ते में सिर्फ तकलीफ देखता है। वहीं एक फ़र्क जो बहुत बड़ा मुझे नज़र आता है कि जीतने वाला संभावनाओं को हमेशा देखता है कि कितनी पॉसिबिलिटी हैं, हर चीज़ में पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हारने वाला सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देता है कि उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, और हारने वाला बीते कल को देखकर रोता रहता है। जीतने वाला सोचकर बोलता है, और वहीं हारने वाला बोलकर सोचता है। जीतने वाले लोग हमेशा बुनियादी मूल्यों पर टिके रहते हैं और छोटी मोटी चीज़ों पर समझौता कर लेते हैं, और हारने वाले की सबसे बड़ी खासियत है कि वह छोटी मोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाले काम को अंजाम देते हैं, और हारने वाले लोग काम के होने का इंतजार करते हैं कि कोई इस काम को पूरा कर दे। जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं, और तैयारी ही मूल मंत्र है। तो गुरु, हमेशा अपने जीवन में जीतने वाले बनिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करिए। मैं आपको ये 8 चीज़ें बताता हूँ, ये अपने जीवन में अपना लीजिए। हमेशा अच्छी चीज़ों की तलाश करें, हर काम को फौरन करने की आदत डालें, कभी भी कल पर ना छोड़ें। एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसे हमेशा मजबूती से रखें कि मेरे पास ये है, मेरे पास माँ बाप हैं, अच्छे दोस्त हैं, शिक्षा है, मैं जिसके एक अच्छा दिमाग है, अच्छा स्वस्थ मन है, जिसके हिस्से से आप कुछ भी पा सकते हैं, बल्कि वो उम्मीद है जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, और नकारात्मक असर से दूर रहें। वहीं जो काम जरूरी हैं उन्हें पसंद करने की आदत डालें, और अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। आखिरी में बस एक जरूरी कदम ये कहना चाहूँगा कि असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका विनाश हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर। याद रखना, जीवन की हर प्रॉब्लम्स में गुरु मोहित आपके साथ हमेशा है।